हेलो एवरीवन वेलकम टू डी आई ऑफ जुलाई 2020 थाउजेंड के करंट अफेयर्स हमारे पास रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एट अ क्लोज डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सनस दूसरा स्टेटमेंट है एयरबॉन्ड ट्रांसमिशन

ट्रांसमिशन अकर्स वाया अ पार्टिकल कॉल्ड एज एरोजोल्स एंड इट कंटेन्स फ्यूर वायरस पार्टिकल्स देन ड्रॉपलेट्स सो ड्रॉपलेट्स में ज्यादा होता है वायरस पार्टिकल्स देन वॉट वी से एयरबोर्न वायरसेस ठीक है सो so, ड्रॉपलेट में ट्रांसमिशन ज्यादा होता है सो so, आंसर हो गया हमारा वन ओनली न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट इज वॉचिंग डब्ल्यू ची ओ एच ओ अलर्ट क्लोजली ऑन एयरबॉर्न स्प्रेड ऑफ वायरसेस सो डब्ल्यू एच ओ ने ऐसी आशंका जताई है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है सो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते रहते हैं डब्ल्यू एच ओ की ओर से सो डब्ल्यू एच ओ इट सेल्फ इज नॉट क्लियर वेदर द वायरस इज एयरबॉर्न और नॉट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है हमें पहला स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन्स टू डील विद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दूसरा स्टेटमेंट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कंटेन स्ट्रॉन्ग एंड इनफ प्रोविजन्स टू बार क्रिमिनल्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन और पूछा है हमें इनकरेक्ट तो इस पर फोकस कीजिए तो क्या सही है क्या गलत है देखते हैं एक्चुअली सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और ये वाला स्टेटमेंट सही है

तो अनलेस एंड एंटल कन्विक्शन आता है वो कंटेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी एक कैियट है एंड दैट केवियट इज कि देव हु आर अंडर ट्रायल कैन ऑल्सो कंटेस्ट एंड कन्विक्शन दो साल से ज्यादा का होना चाहिए दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो सजा दो साल से ज्यादा है तो ही वो लोग कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे और अगर पनिशमेंट दो साल से कम की है तो वो लोग कंटेस्ट कर सकते हैं ठीक है एंड इवन अंडर ट्रायल कैन कॉन्टेस्ट ठीक है तो प्रोविजन वीक हैं वीक प्रोविजन है सो so ये वाला स्टेटमेंट गलत है पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन करेक्ट एंड दैट इज वाई विल गो विध बी टू ओनली अब यहां पे एक सर्वे है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग क्लोज टू फोर्टी थ्री परसेंट विनर्स ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन लोकसभा पोल्स हैव क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट दैम अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हिसाब से 43 परसेंट विनर्स ऑफ 2019 लोकसभा हैज क्रिमिनल केसेस पेंडिंग विद ठीक है सो 2014 में 34 परसेंट था 2009 में सिर्फ 30 परसेंट था तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ठीक है और ये अच्छी बात नहीं है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर एक एडिटोरियल आया था यह एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है एग्जाम से तो आप इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है ये पूछा है हमें ठीक है करेक्ट पूछा है करेक्ट सो so, पहला स्टेटमेंट है एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट इन द आई टी एक्ट टू थाउजेंड आई टी रूल टू थाउजेंड इलेवन मैंडेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेंट सो बेसिकली जो अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है और कॉन्टेंट है उसको प्रोहिबिट करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर डाली गई है ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट है द रिसेंट अमेंडमेंट इन द आई टी रूल टू थाउजेंड इलेवन आर इंट्रोड्यूज टू स्टॉप द राइजिंग इंसिडेंट ऑफ मॉब लिंचिंग तो देखते हैं इसके अंदर सही क्या है गलत क्या है इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट सही है पहला भी और दूसरा भी सो so, पहला स्टेटमेंट सही इसलिए है बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोला गया है कि आप अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट को प्रोहिबिट कीजिए और दूसरा स्टेटमेंट कि ये मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए किया गया है ये भी सही है दिज रूल्स आर बाउंड टू फोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर टू रिमेन विजिल एंड कीप यूजर्स ऑन दर टोर्स बिफोर पोस्टिंग और शेयरिंग एनी अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेंट इसलिए आपने देखा होगा ना बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो कोई भी ऐसा कॉन्टेंट जो अनलॉफुल है इलीगल है या सोशल हारमोनी को हार्म कर सकता है तो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देती है द चेंजेस प्रपोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज एज एम्ड एट कबिंग फेक न्यूज एंड मॉब वायलेंस तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है पहला भी और दूसरा भी आंसर हो जाएगा हमारा बोथ वन एंड टू अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों पूछा गया है क्योंकि न्यूज में चल रहा है कि इज इंटरनेट फ्रीडम बीइंग सेक्रीफाइज फॉर नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग इंटरनेट फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई देर एग्जिस्ट अ बाइनरी बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेट फ्रीडम ठीक है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है तो इंटरनेट फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर अगर इसको प्रमोट करना है इंटरनेट फ्रीडम को तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ठीक है बट बहुत सारे ऑथर्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है आप नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंश्योर कर सकते हैं और अलॉन्ग विथ इंटरनेट फ्रीडम को भी इंश्योर कर सकते हैं तो आपको हमेशा अपने आंसर्स में यही दिखाना है कि हमें दोनों चीज़ें साथ में करनी है बाइनरीज नहीं है कि भाई एक करेंगे तो दूसरा चला जाएगा या दूसरा करेंगे तो पहला चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पहला स्टेटमेंट इट वॉज इनेक्टेड आफ्टर टू थाउजेंड वन अर्थक्विक टू थाउजेंड वन का जो अर्थक्विक था उस टाइम पे इसको इनेक्ट किया गया है दूसरा स्टेटमेंट है द डायरेक्शन गाइडलाइंस गिवन बाई एनडीएमए अंडर दिस एक्ट आर बाइंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट्स एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के यहां पे अलग से एक एस डी एम ए होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो उसके ऊपर बाइंडिंग है ये बता रहा है हमें थर्ड स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज एमपावर टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स अंडर एनडीए में एनडीए में के सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं पूछा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनकरेक्ट इसीलिए है बिकॉज इट वॉज इनेक्टेड आफ्टर द टू थाउजेंड फोर सुनामी टू थाउजेंड फोर सुनामी के बाद टू थाउजेंड फाइव में इसको इनेक्ट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ठीक है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट कि इसकी गाइडलाइंस बाइंडिंग होती है ये बिल्कुल सही है इसकी गाइडलाइंस बाइंडिंग होती है एंड तीसरा स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज एम्पावर टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ एनडीएमए एक्चुअली एनडीएमए के चेयरपर्सन ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं द चेयरपर्सन ऑफ एन डी एम ए इज प्राइम मिनिस्टर ठीक है सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्स थ्री ऑफ एनडीएमए एक्ट ही कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर्स सो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है सो so, आंसर हो जाएगा हमारा बी टू एंड थ्री सो न्यूज में इसलिए था बिकॉज एन डी एम ए टू मॉनिटर वॉटर रिलीज टू कर्नाटका सो डिजास्टर लाइक सिचुएशन हो सकती है कर्नाटका में इसीलिए उस पर्टिकुलर सिनारियो को एन डी ए में मॉनिटर कर रही है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में क्या स्टेटमेंट्स सही है ये पूछा है हमें करेक्ट पूछा है पहला स्टेटमेंट है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनआईए एक्ट आफ्टर टू थाउजेंड एट मुंबई टेरर अटैक दूसरा स्टेटमेंट द ऑफेंसेज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड साइबर टेररिज्म कैन नाउ बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय एन अमेंडमेंट बिल टू एंड एन हैज पावर्स टू इन्वेस्टिगेट स्केड्यूल्ड ऑफेंसेज ओनली विद इन इंडियन बॉर्डर्स तो क्या सही क्या गलत ये पूछा है हमें सो so, पहला वाला जो स्टेटमेंट है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटर एन आई एक्ट आफ्टर टू थाउजेंड एट टेरर अटैक्ट ये वाला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर टेररिज्म को भी ये ओवरसी करेगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है एक्चुअली दरअसल आर टोटल फाइव सब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वर एडेड अंडर एन आई ए अमेंडमेंट बिल सो वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ तो एक तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग दूसरा है काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसी तीसरा है मैनुफैक्चर एंड सेल ऑफ आर्म्स चौथा है साइबर टेररिज्म एंड पांचवा है ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिवस एक्सप्लोजिवस सबस्टेंस एक्ट ठीक है देर आर टोटल फाइव न्यू ऑफेंसेस एडेड अंडर द परव्यू ऑफ एनआईए विथ 2019 अमेंडमेंट एक्ट सो so, पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट सही है तीसरा स्टेटमेंट एन आई एज पावर्स टू इन्वेस्टिगेट स्केड्यूल ऑफेंसेज ओनली इन इंडियन बॉर्डर मैंने बताया था आपको कि जब ऐसे ओनली और ऑल वाले स्टेटमेंट जो होते हैं वो लाइकली गलत होते हैं और यहां पे भी हमारा वो शक सही निकलता है सो so, आंसर है बोथ वन एंड टू एक्चुअली एन आई ए विल हैव द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट स्केड्यूल ऑफेंसिस कमिटेड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉस एंड वन मोर थिंग मीनिंग ऑफ स्केड्यूल ऑफेंसेस ऑफेंसेस विच आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड बाय एन अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट सो इनको हम स्केड्यूल ऑफेंसेस कहते हैं ठीक है कौन से कौन से एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यू ए पी ए चले आगे अब ये न्यूज में क्यों रहता है न्यूज में इसलिए रहता है बिकॉज एन आई ए इज टू इन्वेस्टिगेट केरला एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग केस बहुत न्यूज़ में है आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में और इसके अलावा जो 2019 वाला अमेंडमेंट बिल है उसको लेके भी बहुत सारे स्टेट सवाल उठा रहे हैं तो क्यों सवाल उठा रहे हैं ये आप रिसर्च करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कोड ऑन वेजेज एक्ट टू पहला है इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के फायदे का सौदा है सेकेंड इट लिंक्स मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री टू द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉई एंड द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तीसरा है इट सब्स्यूम्स फोर लेबर लॉज इन टू इट तो क्या सही क्या गलत पूछा है सही क्या है सो so, पहला वाला स्टेटमेंट इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एक्चुअली जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेज डेफिनेशन हैं उनको ये कम कर देता है और इसकी वजह से लिटिगेशन भी कम होंगे और कम्प्लायंस भी कम होंगे कम्पलायंस कम इसलिए भी कम होंगे बिकॉज इट सब्ज्यूम्स फोर लेबर लॉज इन टू इट तो चार लेबर लॉज जो हैं उनको सब्ज्यूम कर देता है तो इसलिए भी कम्प्लायंस कॉस्ट कम होगी और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि इट लिंक्स मिनिमम वेजेस अक्रॉस द कंट्री टू द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉई एंड प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब यहां पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले देर वॉज मल्टीपल पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वेजेस वर बींग डिसाइडेड तो अभी जो है वेज सिर्फ दो बातों पर डिसाइड किया जाएगा कि एक तो स्किल क्या है एम्प्लॉय की और दूसरा प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है ठीक है ना तो सिर्फ दो क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स रहेंगे अब चार लेबर लॉज यहां पे सब्स्यूम किए गए हैं वो चार लेबर लॉज कौन से हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूं पहला है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट तीसरा है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोनस एक्ट चौथा है इक्वल रेम्यूनोरेशन एक्ट 1976 ठीक है अब न्यू न्यूज में इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड ड्राफ्ट रूल्स ऑन वेजेस एक्ट तो ड्राफ्ट रूल्स को बेसिकली आप ब्रीफली पढ़ लीजिए इतने ज्यादा काम के नहीं है बट ब्रीफली आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज पर द न्यू प्रोविजन ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स टू थाउजेंड इलेवन इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ई कॉमर्स पोर्टल्स टू हैव द कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग ऑन एवरी प्रोडक्ट्स अब ये न्यूज में रहता है तो आप सब जानते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है सेकेंड स्टेटमेंट है प्यूनिटिव एक्शन कैन बी टेकन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑब्वियसली तो अगर प्रोविजन रखा है तो प्योनेटिव एक्शन ले ही सकते हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबको मालूम है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है आंसर होगा बोथ वन एंड टू सो कंट्री ऑफ ओरिजिन को मेंशन करना ई कॉमर्स कंपनीज के लिए अब मैंडेटरी हो गया है अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 2011 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है ओके okay? सो so, कंट्री ऑफ ऑरिजिन टैग अ मस्ट ये किसने बोला है हमारे पासवान जी ने क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है मालाबार इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सो मालाबार एक एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्रीज के बीच में है यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इसका सही आंसर है वन एंड थ्री ये सिर्फ यूएस और जापान के बीच में है और एक्चुअली इंडिया भी है हाँ सो so ये इंडिया इसमें पार्ट लेता है यू पार्ट लेता है एंड जापान पार्ट लेता है अब एज़ फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न सो नाउ इंडिया इज प्लानिंग टू एड ऑस्ट्रेलिया ठीक है ना बिकॉज चाइना के साथ हमारा भी uh, वाद विवाद चल रहा है और सेम मैनर में ऑस्ट्रेलिया का भी चल रहा है सो वी आर प्लानिंग के लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं वो इस माल एक्सरसाइज में पार्ट लें सो so, अगर ऐसा हो जाता है या अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो जो भी क्वाड कंट्रीज़ का ग्रुप है करंटली करंटली क्वाड कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें चार कंट्रीज हैं जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं और जो चाइना को अपोज करती हैं तो वो यूएस है जापान है इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया भी है तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये चारों कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज में एक साथ हिस्सा लेगी मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी 1992 में 1992 में ये स्टार्ट हुई थी और जापान को हमने ऐड किया है 2015 में 2015 में हमने इसको ऐड किया है किसको जापान को और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड किया जाए ठीक है सो तो न्यूज़ में क्या है कि इंडिया टू तो टेक अ कॉल ऑन ऑस्ट्रेलिया inclusion in Malabar मालाबार Fine. फाइन क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग are आर करेक्ट पहला स्टेटमेंट है पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक राइट्स फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट कंटेन आर नॉट सेकेंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड रिलीफ अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है गलत क्यों है क्योंकि पार्ट थ्री जो है वो फंडामेंटल राइट right का पार्ट फंडामेंटल राइट है सो फंडामेंटल राइट्स के अंदर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है स्पेसिफिक प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है लेकिन वो है डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फोर्टी स्टेट शेल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ठीक है ना और ये सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू परसन विद डिससेबिलिटी ये गलत है ये गलत इसलिए है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिकॉज अंडर सेवंथ स्केड्यूल डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल ये जो मैटर है जो इनको रिलीफ दिया जाता है रिलीफ फॉर अनएम्प्लॉयबल एंड डिसेबल्ड ये पर्टिकुलर चीज सेवन स्केड्यूल में स्टेट लिस्ट में आती है एंड दैट इज वाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट सो अब यह न्यूज में क्यों है बिकॉज गवर्नमेंट ने बीच में सोचा था कि डिसेबिलिटीज एक्ट को डायल्यूट कर दिया जाए एक्चुअली डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो डिसेबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ वो क्या करता है कि अगर कोई कंपनी इनके राइट्स को वॉयलेट करती है तो उसके ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं ठीक है सो गवर्नमेंट so, क्या प्लान करी थी कि अगर कोई कंपनी माइनर ऑफेंस है वायलेशन का तो उसमें प्यूनिटिव एक्शंस नहीं लिया जाएगा बिकॉज वी वॉन्ट टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट सो बहुत सारे लोग उसको अपोज कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछा है हमें इनकरेक्ट अबाउट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस पहला स्टेटमेंट है इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू डील विथ द केसेस ऑफ वायोलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड दूसरा है एस एफ आई यू कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट तो क्या सही क्या गलत एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट गलत है ये वाला स्टेटमेंट सही है और पूछा क्या है हमें इनकरेक्ट और इसीलिए हमने यहाँ पे ए चूज़ किया है अब ये वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है एम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये वाला स्टेटमेंट सही है कि भाई एस आई एफ एस एफ आई ओ कैन इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर हो गया हमारा ए वन ओनली सो आज के लिए हमारे पास बस इतना ही है अगर आपको ये वीडियोज़ वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप इनको सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमें और मोटिवेशन मिलेगा जितना ज़्यादा हो सके आप इनको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपका कोई स्पेसिफिक सजेशन है कैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू